नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनविंदर और मेरे चैनल एमडी स्पीक्स पे सभी का स्वागत है। अक्सर हर राजनेता जब किसी प्रोफाइल में आता है तो वो बहुत सारे वादे करता है, वो ये करेगा, वो ये देगा, ये खत्म कर देगा, और कम से कम सबसे पहले जो भोली वाली जनता होती है उसके सामने वो कहता है कि वो भ्रष्टाचार खत्म कर देगा। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने बिहार की जनता से ये वादा किया था कि वो बिहार से जंगल राज खत्म कर देंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, अपनी कैबिनेट को लोगों को दिखाया, तो उसमें दिख गया कि उन्होंने सियासी यूटर्न ले लिया है, जनता के भरोसे को तोड़ दिया है। आज नीतीश कुमार बिहार में जंगल राज और परिवारवाद की वापसी के मुख्य सूत्रधार मुझे दिखाई दे रहे हैं और उनके संरक्षक भी बन गए हैं। उनके मंत्रिमंडल में अपराधियों और घोटालेबाजों की भरमार है। कानून मंत्री कोर्ट की नज़र में फरार हैं। उन्हें जिस दिन कोर्ट में हाजिर होना था उस दिन वो कानून मंत्री की बतौर कानून मंत्री की शपथ ले रहे थे। चावल घोटाले का आरोपी कृषि मंत्री बन गया है और जीजा साले के दौर की वापसी हो चुकी है। नेताओं के बेटे मंत्री बनकर के मौज ले रहे हैं और अपने पद का, अपने प्रोफाइल का दुरुपयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। दरअसल बिहार में नए पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने विभाग का कार्यभार संभालते ही 15 साल पहले के जीजा साले के जंगल राज की याद दिला। आने वाले दिनों में न जाने क्या होगा, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है वो साफ साफ यही दिखाई दे रहा है कि जो लालू के टाइम में हुआ था वो फिर होने जा रहा है। विभागीय बैठक में तेज प्रताप यादव के साथ मीसा भारती के पति शैलेश कुमार भी नजर आए, जबकि शैलेश ने ना कोई अधिकारी है ना उनका सरकार से कोई नाता है। बिना किसी सरकारी पद के शैलेश कुमार बैठक में मौजूद रहने पर बीजेपी ने काफ़ी खरी खोटी भी सुनाई थी। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने सरकार पर तंज कसते ये कहा कि मंत्री तेज प्रताप को कोई हल्के में ना ले। शैलेश कुमार आरजेडी के सभी मंत्रियों से समझदार हैं, उनका आशीर्वाद रहा तो तेज प्रताप यादव सबसे अच्छे मंत्री साबित होंगे। और जब बैठक की वीडियो वायरल होती है तो सियासी तूफान खड़ा हो जाता है। शैलेश को बैठक में शामिल किए जाने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और सवाल खड़े किए जाने बनता भी है। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनक राम ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि क्या सरकार की बैठकों में बाहरी लोगों की भी एंट्री की छूट दे दी गई है? क्या नीतीश कुमार को यह नजर नहीं आ रहा? उन्होंने ये भी कहा कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार होती थी तो उस समय जीजा साले की जोड़ी मशहूर थी, दोनों ने अपनी सरकार चलाई इसी तरीके से और उस दौर को सभी ने देखा है, और आज बिहार की जो हालत है उसके लिए इन्हीं जीजा साले की जोड़ी को जिम्मेदार माना जाता है। लालू परिवार की स्थिति आज भी बदली नहीं है। उधर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को लेकर के नीतीश सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सुधाकर सिंह पर 2 राइस मिल के माध्यम से सरकार के 5 करोड़ 31 लाख और करीब 1,000 के घोटाले की जो FIR है वो दर्ज है। सबसे हैरान करने की बात यह है कि सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले में केस करने वाली सरकार कोई और नहीं, नीतीश कुमार की सरकार थी। राज्य खाद्य निगम के DM 27 नवंबर 2013 को सुधाकर सिंह पर रामगढ़ में उन्होंने केस दर्ज किया था। इस घोटाले में 80 से ज़्यादा FIR दर्ज हुई है, कोई एकाद FIR नहीं है, जिसमें कई आरोपी बनाए गए थे। और इस मामले में राज्य खाद्य निगम के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर दिनेश प्रसाद सिंह ने सुधाकर सिंह के खिलाफ घोटालों का केस दर्ज करने के लिए 2 आवेदन किए थे। दोनों राइस मिल के संचालक वर्तमान कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ही थे। दोनों राइस मिलों पर चावल के गबन का आरोप था। वहीं मामले को तूल पकड़ता देख करके सुधाकर सिंह खुद सामने आए। उन्होंने कहा कि
एनडीए सरकार के समय घोटाला हुआ, तो उन्होंने इसे क्यों नहीं उठाया? उन्होंने कहा कि मैं किसी हालत में इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए यहाँ तक बात हो चुकी है, और सुधाकर सिंह वर्तमान राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, अभी कैमूर में रामगढ़ से विधायक हैं। सुधाकर सिंह की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो स्नातक है और उनकी उम्र 44 साल है। राजनीति में आने से पहले सुधाकर सिंह खेती का काम किया करते थे। उन पर लगे चावल घोटाले के आरोप का मामला न्यायिक दंडाधिकार की प्रथम अदालत में अब भी लंबित है। रामगढ़ थाने में उन पर केस हुआ था, लेकिन लालू यादव के परिवार से उनके पिता की नज़दीकी काम करके उन्हें मंत्री पद मिल गया। तो ये जो परिवारवाद का एक चलन चलाया है नीतीश कुमार ने, जो लालू के समय से ही चला रहा था, तो उन्होंने इसको आगे और चलाया है। मैं आपको बता दूं कि एक साल पहले आरजेडी नेताओं के ये दो लाल एक दूसरे के सामने आ गए थे। लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव और अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को निशाने पर लिया था। उन्होंने यहाँ पर यह तक कह दिया था कि जगदानंद सिंह जैसे नेताओं की वजह से उनके पिता लालू प्रसाद की ये स्थिति हुई है, और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदलने की मांग तक कर दी थी। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, उनके इस बयान पर जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह ने पलटवार किया था। कैमूर में उन्होंने कहा था कि तेज प्रताप एक अलाप करते रहते हैं और लोकतंत्र में एक अलाप का कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। वे पार्टी के नेता हो सकते हैं लेकिन पार्टी से बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा था कि राजद के अंदर तेज प्रताप यादव के बयान का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और फिर जगदानंद सिंह ने तेज के बयान को सहन कर लिया था, लेकिन उनके बेटे ने इसे सहन नहीं किया था। तो दोस्तों आप देखिए, मैंने एक तस्वीर आपके सामने रखी है जिस प्रॉमिस को उन्होंने जनता के बीच में रखा था, जो एक वादा किया था बिहार की जनता के साथ नीतीश कुमार ने कि वो वहाँ से जंगल राज उखेड़ फेंकेंगे, और वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि वो उनका भरोसा बनाए रखेंगे जनता का, ना तो वहाँ परिवारवाद दिखाई देगा ना तो वहाँ जंगल राज दिखाई देगा। लेकिन आज आप देखिए, वहाँ जंगल राज दिख रहा है आपको, परिवारवाद दिख रहा है। आधे से ज़्यादा मंत्री जो हैं उन पे कोर्ट में केस चल रहे हैं, आपराधिक धाराओं में उन पे FIR दर्ज है। क्या कहिएगा आप इन्हें? दोस्तों मैं आप ही से पूछती हूँ कि ये बिहार की तस्वीर कब सही होगी, कब वहाँ का ये जंगल राज ख़त्म होगा? आप अपनी राय मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, और इसे लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन आपका जो मेरे प्रति प्यार है, जो मेरे कंटेंट के प्रति आपका प्यार है, वो मुझे दिखाई देगा। तो दोस्तों आप लाइक ज़रूर किया करें मेरे वीडियो को, और पहली बार आने पे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।